हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेक्निकल चैनल MMB रोटेक। मैं हूं इंजीनियर राहुल वाजपेयी और आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के ऊपर आधारित होने वाली है। आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, ये है पिक्टोरियल व्यू, इसको मैं आपको पहले कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये दो रेफरेंस प्लेन हैं, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर होता है। फ्रेंड्स, हम लोग जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सीरीज में थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था हमें चारों क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती थी, पर यहाँ पर जब हम लाइन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लेकर चलेंगे। उसके दो रीज़न हैं, आपको बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि इंडिया में ज़्यादातर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही उपयोग में लाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ नहीं होता है इंडिया में, मोस्टली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही न्यूमेरिकल ड्राइंग से संबंधित सॉल्व किए जाते हैं। सेकेंड रीज़न है कि जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें आपके जो व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, तो इन वजह से जो है सेकेंड और फोर्थ का उपयोग नहीं होता है। और थर्ड का उपयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग इंडिया में थर्ड को उपयोग में नहीं लाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को ही हम लोग उपयोग करते हैं। तो जब भी आपसे अब मैं आगे जो भी न्यूमेरिकल लेके आऊँगा तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना, जैसे ही बोलेंगे कि लाइन की दूरी एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन से सपोज एक्स मीटर है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक्स मीटर ऊपर है, ठीक है। और जब भी आपसे बोलें कि वो वर्टिकल प्लेन से लाइन वाई मीटर की दूरी पर है, तो आपको जानना है कि आपको ये अंडरस्टूड कर लेना है कि जो लाइन है वो वर्टिकल प्लेन से सामने हैं बाई दूरी के, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर आधारित होने वाले हैं, ठीक है। अब आगे की साइड में हम लोग जानेंगे इसके डिफरेंट केस की लाइन किस किस तरह से दोनों रेफरेंस प्लेन के पोजीशन में हो सकती है। तो सबसे पहला केस है आपके सामने, लाइन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू BP। तो यहाँ पर जो एक लाइन है, लाइन है ये HP के पैरेलल है और VP के परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये वर्टिकल प्लेन पे लंबवत है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बात और मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि लाइन जो होती है जिस भी प्लेन के पैरेलल है उस प्लेन में आपको उसका ट्रू शेप या ट्रू लेंथ दिखाई देगी, ठीक है। जब उसकी वास्तविक लंबाई है वो आपको उस रेफरेंस प्लेन में दिखेगी जिस प्लेन के वो पैरेलल होगी, ठीक है। और जिस प्लेन में यहाँ पर जब जिसके लंबवत है लाइन जिस प्लेन के, तो ऑब्जर्वर जब इसको यहाँ से देखेगा तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो पॉइंट शेप का होगा, क्योंकि तो जो लाइन है जब यहाँ से वो अगर आप देखेंगे इस जगह आप खड़े हुए हैं और आपको लाइन दिखाई देगी तो आपको इसका ये वाला सिरा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको लाइन का जो फ्रंट व्यू होगा, प्रतिबिंब होगा फ्रंट वर्टिकल प्लेन में, केवल एक डॉट दिखाई देगा, ओके। हम जानते हैं इसके सेकंड जो इसका केस को क्या होगा, देखते हैं। लाइन इज पैरेलल टू BP एंड परपेंडिकुलर टू HP। तो यहाँ पे आप देखिए जो लाइन होगी वो क्या है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन की लाइन पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लंबवत है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि इसका जो वास्तविक लंबाई है या ट्रू लेंथ है वो आपको वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि इस ये लाइन है VP के पैरेलल है, ठीक है। और इसका जो टॉप व्यू आपका बनेगा HP में, ठीक, जो कि पॉइंट शेप का होगा। थर्ड केस हम बात करते हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल है दोनों रेफरेंस प्लेन HP और VP दोनों की लाइन पैरेलल है, यानी यहाँ पर लाइन कुछ इस तरह से होगी, ये लाइन है आपकी,
ठीक है, वो HP के भी पैरेलल है और BP के पैरेलल है। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पर कि जो लाइन की इस जो वाला सिरा है इसकी जितनी दूरी HP से है इस सिरे की, उतनी दूरी जो है इस सिरे की भी होगी HP से, और उतनी ही दूरी इसकी जितनी दूरी इसकी जो है VP से है इस सिरे की, VP से है उतनी दूरी इसकी इस सिरे की भी होगी VP से। तो यानी जो इसके दोनों सिरे हैं इसके, सपोज ये सिरा ए है ये सिरा बी है, तो ए और बी दोनों की दूरी जो है वर्टिकल प्लेन से बराबर होगी इस सिरे से और इस सिरे से, और सिमिलरली ए वी की दूरी एच पी से भी यहाँ से भी वही दूरी होगी, इस एंड्स की भी सेम दूरी होगी। और इस केस में इसकी जो ट्रू लेंथ होगी या वास्तविक लंबाई होगी वो दोनों ही बी पी और एच पी दोनों में दिखाई देगी, क्योंकि जो लाइन है दोनों ही प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर जो कह रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लाइन इज पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। तो यहाँ पे जो लाइन है वो बीपी के क्या है, बीपी के पैरेलल है और एचपी से इंक्लाइंड है, कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन होगी। ये जो लाइन है ये क्या है, लाइन ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, यानी जो इसके जो दूसरे मान लो यहाँ पे ए मान लो ये बी मान लो, तो ए और बी दोनों की दूरी वीपी से बराबर होगी, परंतु यहाँ पर जब हम बात करेंगे एचपी के रिस्पेक्ट में जब आएंगे तो ए की दूरी जो होगी एचपी से वो अलग होगी और बी की दूरी एचपी से अलग होगी, मतलब लाइन के दोनों सिरे होंगे उनकी हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है दूरी अलग अलग होगी, अर्थात वो एचपी से एक एंगल बना रहे होंगे, इस एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये केस भी एक होता है, इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा जब इसकी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, बहुत ही महत्वपूर्ण केस। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन एचपी के पैरेलल है, मतलब फिर हम ले लेते हैं इसके दो सिरे, सपोज कर लीजिए लाइन के ये सिरा यहाँ पर ए है या यहाँ पर कोई सिरा मान लीजिए बी है, तो ए और बी की दूरी होगी एचपी से बराबर होगी, परंतु क्यों, चूंकि दिया गया है कि जो लाइन है बीपी से इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पर जो ए की दूरी होगी वीपी से वो अलग होगी, बी पॉइंट की दूरी भी अलग होगी वीपी से, तभी जो है ए की एंगल बनाएगा वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, अर्थात आपको ध्यान रखना वर्टिकल प्लेन की जब भी बात होगी या मतलब जब इंक्लाइंड की बात हम करेंगे तो जो है एक एंगल बनाएगा वो, और उसके जो सिरे होंगे आपके ए वी लाइन के या कोई भी आप नाम लिख पी क्यू ले लीजिए एम एन ले लीजिए, जो भी लाइन लाइन के जो भी दो सिरे होंगे उनकी दूरी भी अलग अलग होगी उस प्लेन से। ठीक है, जिससे वो एंगल बना रहा है, और यहाँ पे आपकी जो ट्रू शेप होगी इस केस में, जो लाइन की जो ट्रू लेंथ होगी वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देगी। नेक्स्ट हम लेते हैं इस केस में कि लाइन जो है दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है, मतलब इस केस में लाइन किसी भी प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि लाइन की जो जो ट्रू लेंथ है वो आपको किसी भी जो है प्लेन में दिखाई नहीं देगी, ना फ्रंट व्यू में आपको मिलेगी ना टॉप व्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन है एक, ठीक है, लाइन जो है ना तो ये वीपी के पैरेलल है ना ही एचपी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लाइन के डिफरेंट केस बता दिए हैं, तो ये आपके लिए एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे जब मैं आपके साथ इस पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो वहाँ पे आपको वो न्यूमेरिकल बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।